हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं अल्टरनेटिव और पॉपुलर एलोपैथिक मेडिसिन इन आयुर्वेदा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद में एलोपैथिक मेडिसिन के क्या क्या विकल्प हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल बुखार और बदन दर्द सर दर्द के लिए यूज होता है। इसका जो आयुर्वेद में विकल्प है वो है महासुदर्शन चूर्ण या घनवटी। महासुदर्शन चूर्ण में 49 डिफरेंट आयुर्वेदिक कंपोनेंट होते हैं। महासुदर्शन चूर्ण एंटीपायरेटिक या एंटी फाइब्रिल प्रॉपर्टी इसमें रखता है, यानी कि ये जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है हमारा बॉडी का उसको कम करता है। इसके अलावा इसमें डाइफोरेटिक प्रॉपर्टी भी होता है। डाइफोरेटिक प्रॉपर्टी मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग भी पैदा करता है। एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब ज़्यादा ज़्यादा इसमें पसीना निकलेगा। पसीना बाहर आने से हमारा जो शरीर का तापमान है वो धीरे धीरे घटने लगता है। महासुदर्शन चूर्ण क्रॉनिक फीवर में, यानी कि कोई अगर बुखार है जो लंबे समय से चला आ रहा है उसको भी ठीक करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर वायरल फीवर है तो उसको भी ये ठीक करता है। उसके अलावा महासुदर्शन चूर्ण मलेरियल फीवर और टाइफाइड फीवर में भी अच्छा काम करता है। महासुदर्शन चूर्ण की अगर बात करें, इसके डोजेस की अगर देखें, तो 1 से 2 टीस्पून गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार इसको लिया जा सकता है। दूसरा है विक्स वेपरअप। विक्स वेपरअप बहुत ही पॉपुलर और कॉमन मेडिसिन है कॉमन कोल्ड के सिम्टम को ट्रीट करने के लिए। इसको हम लोग डायरेक्टली जो इफेक्टेड एरिया वहाँ पर भी अप्लाई करते हैं और स्टीम इनहेलेशन में भी लेते हैं। इसका आयुर्वेदिक विकल्प है अमृत धारा और दिव्य धारा। अमृत धारा और दिव्य धारा दोनों ही कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो गया है, बदन में दर्द हुआ का हो गया है, कफ हो गया है, नाक जाम हो गया, उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। उसके अलावा अगर सर दर्द है उसमें यूज करेंगे, दांत में दर्द है, इनडाइजेशन भी है, अगर खाना अपच हो रहा है, खाना नहीं सही से पच पा रहा है, पेट में अगर दर्द है उस कंडीशन में भी यूज करेंगे। अगर नाक ब्लॉकेज हो गया है तो स्टीम इनहेलेशन भी इसमें कर सकते हैं। मधुमक्खी ने अगर डंक भी मार दिया है कहीं पर तो उसके जगह पर भी उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉन्सिल अगर बढ़ गया तो उसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओडोमास के जैसा भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में अगर इसको मिला दिया जाए, अमृत धारा चाहे दिव्य धारा को, और पूरे बदन में लगा दिया जाए तो ये ओडोमास जैसा भी काम करता है, आपको मच्छर फिर कम काटेंगे। अगर बॉडी एक है तो इसको गर्म तेल में डाल के और पूरा बॉडी में मसाज किया जा सकता है, उसमें भी आपको ये हेल्प करता है बॉडी एक में भी। नेक्स्ट है बिसाकोडाइल। बिसाकोडाइल एक एलोपैथिक केमिकल कंपाउंड है जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी कब्जियत को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके कई प्रकार के आयुर्वेदिक विकल्प हमारे पास हैं, जिसमें पहला है त्रिफला गुगलू। त्रिफला गुगलू कई आयुर्वेदिक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। त्रिफला गुगलू ओवरऑल डाइजेस्टिव पावर को इम्प्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करता है, कब्जियत को ठीक करता है, मोटापा भी है तो उसमें भी ये असर डालता है, मोटापा को ठीक करता है। ओवरऑल जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी टॉक्सिक या टॉक्सिन है उसको अब हमारे शरीर से निकालता है। इवन अगर पाइल्स और फिस्टूला का सूजन और दर्द है तो उसको भी कम करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मेडिसिन आपको वात पीत और कफ का जो इम्बैलेंस हो गया है हमारे शरीर में उसको ठीक करता है, उसको बैलेंस करता है। नेक्स्ट हमारा इसमें विकल्प है इसबगुल हस्क या साइलियम हस्क बोलते हैं। आपके कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को ठीक कर, ब्लोटिंग मतलब पेट भरा भरा सा और फुला फुला सा लगेगा। इसबगुल हस्क नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, किसी प्रकार का हैबिट नहीं होता है। इवन त्रिफला गुगलू को भी खाने में किसी प्रकार का हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता। कोई भी आयुर्वेदिक दवाई खाने में आपको हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता है, और ये नेचुरल फाइबर्स है तो इसमें कोई इशू नहीं है आपको। आप लोग हम लोग ये भी एक हमारा ऑप्शन है आयुर्वेद में। नेक्स्ट है लैक्टी फाइबर। ये सन फार्मा के द्वारा बनाया जाता है। इसमें दोनों कॉम्बिनेशन है, आपका आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों कॉम्बिनेशन है। इसमें लैक्टिटोल नामक एक केमिकल कंपाउंड मिला जाता है और इसबगुल हस्क भी इसमें पाया जाता है। तो जो लैक्टी फाइबर है आपका वो आपके जो स्टूल है उसको सॉफ्ट बनाएगा और कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में उसका मदद करेगा। नेक्स्ट है सॉफ्टोवैक SF। यह एक शुगर फ्री फार्मूला है जो लुपिन फार्मा द्वारा बनाया जाता है। सॉफ्टोवैक SF आपको कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग अगर हो रहा है और जो स्टूल है उसको सॉफ्ट बनाता है। ये भी आपको जो ओवरऑल डाइजेशन प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करता है। ये भी आपको किसी प्रकार को हैबिट किसी प्रकार का नहीं लगता है। नेक्स्ट है कायम चूर्ण। कायम चूर्ण वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मूला है इन ऑर्डर टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन।
और ये प्योर आयुर्वेदिक फार्मूला है जो कि ना ही सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए बल्कि अगर इंडाइजेशन है, अपच है उसको भी ठीक करेगा, फ्लैटुलेंस है, अगर गैस फॉर्मेशन हो रहा है पेट में उसको भी ठीक करेगा, अगर हाइपर एसिडिटी है उसको भी ये ठीक करता है। अगर डोजेस का देखें तो जितने भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं वो बेड टाइम के समय दी जानी चाहिए, यानी सोते समय लिया जाना चाहिए रात में, और जनरली जो है 1 से 2 टीस्पून विथ वार्म वाटर इसको लिया जाना चाहिए, और नहीं तो फिर जो भी डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसके अनुसार भी आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है लोपेरामाइड। लोपेरामाइड एक एलोपैथिक मेडिसिन है जो कि डायरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। लोपेरामाइड डिसेंट्री को ट्रीट करने के इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। लोपेरामाइड का अगर आयुर्वेदिक विकल्प देखें तो है बिलवादी चूर्ण। बिलवादी चूर्ण ना ही सिर्फ डायरिया बल्कि डिसेंट्री को भी ट्रीट करने में सक्षम है। बिलवादी चूर्ण का अगर डोजेस देखें तो आप इसको 1 से 2 टीस्पून गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार या डॉक्टरी सलाह के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। लास्टली है स्टेप्सिल्स। स्टेप्सिल्स की अगर बात करें तो ये तो प्योरली केमिकल कंपाउंड से मिला हुआ मेडिकेटेड टॉफी है, चाहे लॉजेंजेस है, जिसमें कि 2 केमिकल कंपाउंड या 2 एंटीसेप्टिक मिला के इसको बनता है। पहला होता है 2,4-डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल और दूसरा होता है एमाइल मेटाक्रिसोल, तो इससे ये मिलकर स्टेप्सिल्स बनता है। विक्स की अगर गोली की बात करें, जो टॉफी होता है उसकी अगर बात करें, कुछ केमिकल कंपाउंड और कुछ हर्बल कंपोनेंट्स रहते हैं। विकल्प की अगर बात करें तो हमारे पास है कंठ सुधारक वटी जो कि पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक होता है, हर्बल प्रोडक्ट होता है, कई कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। कंठ सुधार वटी जो आपको किसी प्रकार का गले में खराश है, किसी प्रकार का थ्रोट में इन्फेक्शन है, पेन है, कफ आ रहा है बार बार, उस कंडीशन में कंठ सुधार वटी आपको सेम इफेक्ट प्रोवाइड कराता है जिस प्रकार से आपका स्टेप्सल्स, चाहे विक्स की गोली, चाहे जो चॉकलेट है वो आपको प्रोवाइड कराता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार का अगर सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।